अभी तो आप चुनाव जीत पाएंगे। बृजेश पाठक ने जबरन यहां पर अरविंद राजभर को नाक रगड़वाने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद राजभर समाज की बात करें, वो तो नाराज नजर आया। राजभर समाज ने तो ये तक भी कह दिया कि योगी मोदी से बैर नहीं है, राजभर तेरी खैर नहीं। इस तरीके की नारेबाजियां शुरू हो गई कि ओपी राजभर कर क्या रहे हैं, आप अपने समाज को अपमानित कर रहे हैं। जहां आपके समाज का सम्मान नहीं है, आप उस गठबंधन में नजर आ रहे हैं, तो वो क्या यूपी की सियासत में ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ फैसला लेने को तैयार नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से जिस तरीके से ओपी राजभर ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जो बयान जारी किया, उसके बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, एनडीए गठबंधन के तहत ओपी राजभर की पार्टी सुभाषपा को एक सीट मिली थी, घोसी सीट। वहां से ओपी राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर को चुनावी मैदान में उतार देते हैं, लेकिन हार जाते हैं। उसके बाद से लगातार ओम प्रकाश राजभर बयान जारी करते हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर पाला बदलने वाले हैं। आपको बता दें, ओपी राजभर का एक बयान काफी ज्यादा इस वक्त सुर्खियों में है। बीते दिनों उन्होंने बयान जारी किया था कि योगी और मोदी का मैजिक उत्तर प्रदेश में खत्म हो गया है और इसी वजह से हम हारे हैं। उन्होंने खुलेआम आरोप लगाया था कि जिन लोगों ने मेरे साथ गद्दारी करी, जिन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, अब उनको सबक सिखाने का वक्त आ गया है। एक एक इंसान को, एक एक जो लोग जिन्होंने मेरे साथ गद्दारी की, नाइंसाफी की, उनको सबक सिखाएंगे। तो क्या ओम प्रकाश राजभर अब भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने वाले हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा चुनाव से पहले बगावत करने वाले हैं? ओम प्रकाश राजभर का आने वाले चुनावी रण में क्या फैसला होने वाला है, इसको लेकर के हम बातचीत करेंगे नाजमिन से। नाजमिन, जिस तरीके से देखें तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर के बगावती सुर नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में। साफ तौर पर कह रहे हैं, योगी और मोदी के नाम पर अब वोट नहीं पड़ रहे हैं, मैजिक जो है वो खत्म हो गया है। तो क्या अब ओम प्रकाश राजभर इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में वो पाला बदल सकते हैं? देखिए, ओपी राजभर की तरफ से अगर हम देखें तो ओपी राजभर ने मांग यहाँ पर लोकसभा चुनाव में कम से कम 2 से 3 सीटों की थी। लोकसभा चुनाव में गाजीपुर सीट की मांग करते हुए नजर आ रहे थे, यहाँ पर घोषी लोकसभा सीट की मांग करते हुए नजर आ रहे थे। इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि वो मांग यहाँ पर फूलपुर की भी कर रहे थे, यहाँ पर कई सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन चर्चाओं में 3 सीटें देखने को मिली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि ज्यादा लालच अच्छा नहीं है। यहाँ पर ओपी राजभर की पार्टी सुभाषपा को एक लोकसभा सीट दी गई, घोषी लोकसभा सीट, जिस पर ओपी राजभर ने अपने ही बेटे अरविंद राजभर को चुनावी मैदान में उतार दिया। और जैसे ही अरविंद राजभर चुनावी मैदान में उतरे तो कई तस्वीरें खुलकर सामने आई कि ओपी राजभर और उनके बेटे का खासकर न सिर्फ जनता ने विरोध किया, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के आलाकमानों ने भी विरोध किया। यहाँ देखिए, बृजेश पाठक का जिक्र कर लें, जो सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं। बृजेश पाठक तो ये कदम उठाते हुए नजर आए कि घोषी में जब चुनाव प्रचार करने के लिए अरविंद के समर्थन में देखे गए, उस दौरान भरे मंच पर उन्होंने ये कह दिया कि नाक रगड़िए, झुकिए और माफी मांगिए। आपने यहाँ पर कहीं ना कहीं राजभर समाज का अपमान किया है। जब आप समाजवादी पार्टी के साथ थे और 2022 के विधानसभा चुनाव में आपने कई आलोचनाएं की हैं, और भारतीय जनता पार्टी को तो खासकर आपने कितना आरोप लगाया है, इसकी तो माफी मांगनी पड़ेगी, तभी तो आप चुनाव जीत पाएंगे। बृजेश पाठक ने जबरन यहां पर अरविंद राजभर को नाक रगड़वाने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद राजभर समाज की बात करें, वो तो नाराज नजर आया। राजभर समाज ने तो ये तक भी कह दिया कि योगी मोदी से बैर नहीं है, राजभर तेरी खैर नहीं। इस तरीके की नारेबाजियां शुरू हो गई कि ओपी राजभर कर क्या रहे हैं, आप अपने समाज को अपमानित कर रहे हैं। जहां आपके समाज का सम्मान नहीं है, आप उस गठबंधन में नजर आ रहे हैं, तो वो नतीजा हुआ कि घोषी लोकसभा सीट पर अरविंद राजभर को करारी हार का सामना करना पड़ा। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीत जाते हैं, आज ये तस्वीर है। लोकसभा चुनाव के बाद से देखा गया कि लगातार ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस बात की ओर वो संकेत जरूर दे रहे हैं कि आने वाले समय में वो जरूरत पड़ने पर पाला भी बदल सकते हैं। और उत्तर प्रदेश की सियासत में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद वो योगी कैबिनेट से बाहर भी किए जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर परिस्थितियों को देखते हुए और जो वोट बैंक है वो उनके साथ खिसकता हुआ नजर आया। उन्हें उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक और राजभर समाज का वोट बैंक उनको मिलेगा, दलितों का वोट बैंक मिलेगा, मुस्लिमों का मिलेगा, लेकिन खुलेआम उनकी रैली में जो मुस्लिम समुदाय वो कहता हुआ नजर आया कि हम आपको वोट नहीं करेंगे, आपने
आपने देखा तमाम लोकसभा चुनाव के दौरान, तो लगता है कि ओम प्रकाश राजभर अब कहीं ना कहीं पाला बदल सकते हैं। देखिए, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि क्या योगी कैबिनेट में जिस तरीके से मंत्री बनाए गए जबरन कह सकते हैं, क्योंकि ओपी राजभर ने दबाव भारतीय जनता पार्टी पर बनाया कि अगर मंत्री नहीं बनाए जाते हैं तो वो अपने तमाम विधायकों के साथ और अपनी पार्टी का गठबंधन तोड़ लेंगे और विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव में ही आपको हार का सामना करना पड़ेगा। तो ओपी राजभर का ये चैलेंज भारतीय जनता पार्टी को नागवारा समझा और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फैसला कर लिया गया कि चलिए ओपी राजभर को हम मंत्री बना देते हैं। लेकिन मंत्री बनाने के बाद आप ये देखिए कि भरे मंच से ऐलान करते हुए नजर आते हैं ओपी राजभर कि अगर मैं चाहूं तो सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने आगे झुका सकता हूं, मैं इतनी ताकत रखता हूं कि अगर मैं आपके मुद्दों के जरिए सीएम योगी से सवाल पूछूंगा तो उसमें उन्हें त्वरित संज्ञान लेना भी पड़ेगा, त्वरित संज्ञान लेना पड़ेगा। और ऐसे में यह भी दावा करते हुए नजर आए थे ओपी राजभर कि आप पीला गमछा पहनकर किसी भी पुलिस स्टेशन में चले जाइए उत्तर प्रदेश की, अगर वहां पर आपको कोई पूछने के लिए भी मौजूद नहीं होगा, यानी कि आपसे कोई सवाल भी नहीं करेगा कि आप किस पार्टी से हैं या आप कहां से आए हैं, यहां पर सिर्फ गमछा ही काफी होगा। ये दावा ओपी राजभर का था। अब यही ओपी राजभर जब ये कहते हैं घोषित चुनाव उनके बेटे हार जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ जाती है, तो ऐसे में ये चर्चाएं तेज हो जाती हैं कि क्या यही ओपी राजभर अब विधानसभा चुनाव को नजदीक आता देख क्या पाला पलटते हुए नजर आएंगे, क्या समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं जो योगी और मोदी के मैजिक को नकारते हुए नजर आए, जो साफ तौर पर ये कहते हुए दिखाई दिए कि जादू नहीं चल पाया तो जादू आपका भी नहीं चल पाया। विधानसभा चुनाव नजदीक में है और ऐसे में देखा जाए तो जयंत चौधरी जो राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष हैं, यहाँ पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद की बात करें, भारतीय जनता पार्टी से 2 से 3 सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही 2 से 3 सीटों का जिक्र कर लें, भारतीय जनता पार्टी सहमति नहीं जताती है। जयंत चौधरी बिजनौर की मीरापुर विधानसभा सीट के लिए नवाजिस आलम को आगे कर देते हैं, मुस्लिम कैंडिडेट को आगे करते हुए नजर आते हैं। तो आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी से ना सलाह मशवरा लिया गया, ना चर्चा हुई और ना ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कोई पहल आगे की। और ऐसे में जयंत चौधरी का ये फैसला लेना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि क्या ओपी राजभर भी मांग कर सकते हैं विधानसभा की इन उपचुनावों की सीटों को लेकर कि 10 में से आप भी हमें कम से कम 1 से 2 सीटें दीजिए, हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ये भी एक बगावत का जरिया। लेकिन ओपी राजभर का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट जरूर हुआ है, जिस तरीके से जिस उम्मीद के साथ वो एनडीए के साथ गए थे, भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने हाथ मिलाया और इस ये उम्मीद में कि शायद उन्हें वोट बैंक उन पर भरोसा जताएगा, लेकिन ये चीजें तो उल्टा पड़ गई उनके ऊपर। तो क्या इन परिस्थितियों को देखते हुए अब कहीं ना कहीं ओपी राजभर बड़ा सोच विचार करने वाले हैं? देखिए, ओपी राजभर के बारे में बात करें तो जिस तरीके से ओपी राजभर पाला पलटते हुए नजर आए, कभी समाजवादी पार्टी के साथ तो कभी आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आ जाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले देखा जाए तो वही थे जो सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नज़र आते थे, यहाँ तक कि देखिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ को और उनकी नीतियों के खिलाफ नज़र आए, बुलडोज़र वाली नीति के खिलाफ नज़र आए, सीएम योगी आदित्यनाथ को ही नकार दिया। जब मजबूरी पड़ी तो उनके साथ गठबंधन के लिए तैयार ओपी राजभर नज़र आए, तो ये मजबूरी का गठबंधन कहा जा सकता है कि ओपी राजभर जिधर जाते हैं मजबूरी के साथ गठबंधन करते हैं, लेकिन जहां फायदा दिखता है वहां पर गठबंधन भी तुरंत करते हुए नजर आते हैं। लोकसभा चुनाव में उन्हें लगा कि कैबिनेट मंत्री की मांग कर सकता हूं, लोकसभा सीटों की मांग कर सकता हूं और जीत भी सकता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से। लेकिन आप ये देखिए कि ओपी राजभर पर उनके बयान ही भारी पड़ते हुए नजर आए कि मैं भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह के बदौलत चुनावी मैदान में वोट मांगने नहीं आया हूँ, मुझे मालूम है कि हमारी पार्टी के बलबूते पर ही जनता हमें वोट दे देगी, भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं है। इस तरीके के बयान ओपी राजभर पर भारी पड़े। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को लेकर अगर देखा जाए तो मुझे जहां तक लगता है कि सहयोग ओपी राजभर का भारतीय जनता पार्टी आने वाले वक्त में नहीं करेगी। यही परिस्थितियां हैं कि आज ओपी राजभर बयान देते हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता कोई भी एक तरीके से पलटवार करते हुए नजर नहीं आते या ओपी राजभर को समझाने की कोशिश नहीं की जाती है, बल्कि आप ये देखिए कि ओपी राजभर को सिर्फ और सिर्फ मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया
किया जा रहा है। जब उनका इस्तेमाल खत्म हो जाएगा, खुद देखिएगा कि ओपी राजभर समाजवादी पार्टी की तरफ अपना रुख करते हुए नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल, ओपी राजभर समाजवादी पार्टी की तरफ अपना रुख करते हुए नजर आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओपी राजभर का जिस तरीके से इस्तेमाल हुआ है, जाहिर सी बात है उनको एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ वो एनडीए के साथ गए थे, वो उन सारी उम्मीदों पर पानी फिरते हुए नजर आए। और वोट बैंक को देखते हुए एक बार फिर से ओपी राजभर बगावती तेवर अपना सकते हैं। हालांकि इंतजार करना होगा कि वक्त कब आता है, क्या उपचुनाव से पहले या फिर साल 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद। हालांकि देखना होगा कि ये वक्त कब आता है, क्या उपचुनाव के पहले या फिर साल 2027 के विधानसभा चुनाव का इंतजार करना होगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना एक्शन एंड पॉलिटिकल बाइट के साथ।